पब्लिक के अंदर कुछ भी बिन बात के नहीं होता है। आज की रॉ का अंत दोस्तों हमने देखा लीटा के रिटर्न के द्वारा। बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आखिर लीटा को उस रॉ में क्यों लाया गया जिस रॉ में बैक स्टेज एज थे। तो दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कुछ भी बिन रीजन के नहीं होता है। दरअसल दोस्तों ट्रिश का रिटर्न करवाने वाली है डब्ल्यूडब्ल्यूई और ऐसे में दोस्तों लीटा का पहले आना जरूरी था। दरअसल दोस्तों डब्ल्यू वाले प्लान करे एक सिक्स वुमन टैग टीम मैच जहां लीटा ट्रिश एंड बैकी फेस करनेगी हमारी अपनी डैमेज कंट्रोल को। मैच आपको एलिमिनेशन चैम्बर में देखने को मिलेगा। रही बात दोस्तों रीजन की, रीजन बस यही है कि ट्रिश दोस्तों काफी ओवर है कनाडा में क्योंकि वो कैनेडियन सुपरस्टार ही है और डब्ल्यू वाले चाहते हैं कि एलिमिनेशन चैम्बर को दोस्तों थोड़ा सा और इंटरेस्टेड बनाया जाए लेजेंडरी डिवास की वापसी करवा के। तो ऐसे में दोस्तों आप लोगों को नेक्स्ट वीक ट्रिश देखने को मिल सकती है और इसी बात पर डब्ल्यू एच जी पर एक लाइक। बात कर ली जाए दोस्तों आज के हमारी सेकंड अपडेट की, तो गाइज वो जुड़ी हुई है हमारी अपनी ट्रिपल एम से। आज दोस्तों हमने ट्रिपल एम को देखा रॉ में, हल्का सा इनका सेगमेंट था शायद से, और ट्रिपल एम रॉ में लगातार दो हफ्ते से दिखाई दे रही बट ये सुपरस्टार से स्मैकडाउन के। अगर आप WWE और रेगुलर देखते हैं तो आपको पता होगा ये स्मैकडाउन के सुपरस्टार है। तो आपको बताना चाहूंगा दोस्तों अब ऑफिशियली ड्राफ्ट हो चुके हैं मंडे नाइट रॉ में ही और ये तीनों के तीनों जो जोकर्स हैं ये आप लोगों को अब रॉ में देखने को मिलेंगे। रही बात इस पूरे के पूरे ड्राफ्ट वाली इक्वेशन की, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जजमेंट डे स्मैकडाउन में जाने वाली है। ऐसे में दोस्तों जहां वो तीन चार सुपरस्टार स्मैकडाउन में जा रहे हैं ये तीन चार दोस्तों आप लोगों को रॉ में देखने को मिलेगा। तो यहां दोस्तों बिग डब्ल्यू फॉर स्मैकडाउन। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज की, इससे अगली न्यूज आज की हमारी जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने डोमिनिक से। तो डोमिनिक को दोस्तों ट्रोल किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ एक पिक के बिना पर जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रही है। आप सोच रहे होंगे इसमें फनी चीज तो यही है कि डोमिनिक का फेस बना हुआ। गौरव भाई इसमें क्या बड़ी चीज है, तो एक बार पीछे देखिए क्या लिखा है। पीछे दोस्तों एक फैन ने पोस्टर पकड़ रखा है, उस पर लिखा है डी इज योर रियल फादर। तो हमेशा से दोस्तों सवाल बना हुआ है कि क्या वाकई में रे मिस्टीरियो फादर है डोमिनिक के, और ऐसे में परफेक्ट पिक्चर आई है और काफी फनी दोस्तों लग रही है और डोमिनिक को दबाकर दोस्तों ट्रोल किया जा रहा है। बात कर लेते हैं अपने सेमी जेन की, तो गाइस सेमी जेन पर क्या अपडेट है। सेमी जेन दोस्तों पूरे तरीके से खुद को अलग कर चुके हैं ब्लड लाइन से, आप लोगों ने देख लिया है। और सेमी जेन दोस्तों अटैक भी किए थे इस बीती स्मैकडाउन में, बट स्मैकडाउन के बाद भी दोस्तों सेमी जेन पीछे नहीं हट रहे हैं। उन्होंने टी शर्ट भी चेंज किया और अब तो दोस्तों उन्होंने ट्विटर भी चेंज कर दिया है। ट्विटर पर दोस्तों उन्होंने अपना बायो जो है अपडेट किया और क्या चीज लिखी है, वही चीज लिखे है सेमी जेन डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार उस नो मोर। आप पढ़ सकते हैं यहां बायो में क्या चीज लिखे है, उस नो मोर, माना दोस्तों अब उन्हें कोई भी सेमी उसो नहीं कहेगा। तो सेमी दोस्तों काफी ओवर हो चुके हैं और इसी से जुड़ी अगली न्यूज। तो आज की रॉ के अंदर हमने देखा कोडी एंड हेमन का सेगमेंट। हेमन इमोशनल हो गए थे, रुला दिया था लगभग कोडी ने, लेकिन आपको बताऊंगा तो आप शॉक हो जाएंगे, पूरा का पूरा सेगमेंट सिर्फ और सिर्फ सेमी जेन के लिए ही रचा गया था। तो डब्ल्यू इस वक्त दोस्तों पानी भाप रही है। आप बोलेंगे पानी भाप रही मतलब इस वक्त ये चीज देखी जा रही है कि थिंग्स कितनी गर्म है और इसीलिए दोस्तों जो सेमी है उनकी चैंड लग रही थी और इसीलिए दोस्तों कोडी ने जानबूझकर उन्हें मेंशन किया। कोडी का मेंशन करना सिर्फ सिर्फ इसलिए है ताकि दोस्तों ऐसा ना लगे कि सेमी एंड कोडी के बीच में कोई कंपटीशन है, ये चीज बताई गई है। मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, डब्ल्यू वाले दोस्तों प्लान कर रहे हैं कि कैसे चीजें वर्क करेगी, कहीं ऐसा ना हो कि कोडी को हेट मिल जाए रेसलमेनिया में, क्योंकि इस वक्त सेमी का ज्यादा अच्छा लग रहा है, सेमी का स्टोरी लाइन ज्यादा अच्छा लग रहा है। आपको दोस्तों मैं जानता हूँ सेमी का ज्यादा अच्छा लग रहा है और मुझे भी उनका ही अच्छा लग रहा है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब कोडी की, तो गाइस कोडी का किसको अच्छा लग रहा है, कोडी का दोस्तों WWE ऑन बीटी स्पोर्ट वालों को अच्छा लग रहा है ना जाने क्यों। दरअसल दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कोडी ने AEW के सुपरस्टार्स कैनी ओमेगा एंड यंग बक्स को मेंशन किया रॉयल रंबल में, और ये चीज दोस्तों जानते हैं WWE ऑन बीटी स्पोर्ट वाले, उन्होंने दोस्तों ट्वीट भी किया इसके रिगार्डिंग। मारा दोस्तों WWE वालों को पता है कि कोडी क्या कर रहे हैं और ऐसे में फुल सपोर्ट उन्हें दिया जा रहा है। मेरे हिसाब से कोडी को गले से नीचे उतारा जा रहा है, ओवर पुश किया जा रहा है। अंडरटेकर की बात कर लेते हैं, तो गाइस अंडरटेकर की एक तस्वीर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही सोशल मीडिया पर द न्यू डे के साथ दोस्तों। ये तस्वीर जो है ये शायद से दोस्तों हमारे रॉयल रंबल के इवेंट की है। रॉयल रंबल में टेकर तो नहीं थे, अब आप बोलेंगे टेकर नहीं थे तो क्यों आ रखे थे, तो उनकी पत्नी आ रखी थी, आपने देखा होगा वुमन्स रॉयल रंबल में कम्पीट करी थी। तो ऐसे में दोस्तों
ये चार सुपरस्टार्स दिखाई दे रहे हैं बैक स्टेज और काफी अच्छी तस्वीर है। होप करते हैं कि टेकर आगे भी देखने को मिले। बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज की, जो कि हमारी जुड़ी है ब्रॉक लेसनर से। ब्रॉक लेसनर ने दोस्तों आज अपना मीम बना दिया कि वो सेबल के साथ 4-5 घंटे सोते हैं, और ऐसे में दोस्तों आप मीम देख सकते हैं कि एक तरफ पत्नी सोई, दूसरी तरफ लेसनर सोए और दिमाग में उनके लैशली है। वेल जोक्स अपार्ट, यहां दोस्तों लेसनर का सेगमेंट कंफर्म हो चुका है। नेक्स्ट वीक दोस्तों बॉबी लैशली को एक तरीके के दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में फेस करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में दोस्तों जो लैशली वो साइन करेंगे, और मुझे क्या लगता है कि वहाँ ऑल हेल ब्रोकन लूज वाली सिचुएशन हो जाएगी। रेफ्स को आना पड़ जाएगा, ऑफिशियल्स को आना पड़ जाएगा, क्योंकि एक दूसरे को छोड़ने नहीं वाले हैं, ये चीज़ बिल्कुल कन्फर्म है। और नेक्स्ट वीक दोस्तों गुत्थमबाजी खूब होगी। बात कर लेते हैं आज कितनी से ग्लास न्यूज़ की। तो ऐसे ग्लास न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने WWE के द रॉक से। तो गाइस द रॉक जो है वो ब्रॉक को मूवी ऑफर किए थे, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिपोर्ट फ्रॉम रेसल ट्रैकर। यहाँ बताया जा रहा है कि द रॉक लेसनर को एक बारी मूवी ऑफर किए थे, जहाँ उन्होंने चीज़ कही थी कि डील यही रहेगी कि तुम मूवी में मुझसे मार खाओगे, हमेशा मार ही खाओगे, जिस पर लेसनर ने नो कर दिया। लेसनर दोस्तों रील में भी नहीं हारना चाहते और रियल में भी नहीं हारना चाहते, और लेसनर को दोस्तों इसलिए लेसनर कहा जाता है। बात कर लेते हैं दोस्तों आज की अपनी मेन खबर की, जो कि हमारी जुड़ी हुई है एलिमिनेशन चेंबर से। चेंबर होने वाला है दोस्तों, और शायद से 18 फेब को है। और रही बात दोस्तों चेंबर की, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि सेमी ज़ेन क्या वहाँ जीत सकते हैं, क्योंकि सेम के होम टाउन में होगा। आपने आज लोगों को देखा, ये लोग तो अमेरिका के, लेकिन कनाडा के लोग तो दोस्तों गला ही फाड़ देंगे। तो सवाल उठता है क्या वहाँ जीतेंगे सेमी, क्या वाकई में जो आज कोडी टीज किए हैं कि शायद से रेसलमेनिया का मेन इवेंट चेंज हो जाए, क्या पता मुझे सेमी को फेस करना पड़ता है, क्या वाकई में हो सकता है। तो बताया जा रहा है ट्रिपल एच को दोस्तों सेमी पसंद नहीं है। ट्रिपल एच के अकॉर्डिंग सेमी एक रेसलमेनिया मेन इवेंटर नहीं हो सकते हैं, और ऐसे में दोस्तों शायद से वहां सेमी हारने वाले। दरअसल दोस्तों जो रिपोर्ट्स है वो ये भी सजेस्ट करती है कि मे बी सेमी एंड ओवंस को मौका मिले उसोस के खिलाफ इन फ्यूचर। ऐसे में दोस्तों शायद से सेमी वहां नहीं जीतने वाले हैं। अब ये चीज दोस्तों गले से नहीं उतरती है कि कोडी जो है वो ट्राइबल चीफ को फेस कर रहे हैं। कोडी इंजरी से लौटे, सबको पता था रॉयल रंबल जीतेंगे। इवन दोस्तों जो सेमी उनकी स्टोरी लाइन ज्यादा बढ़िया है। मैं चाहता हूं दोस्तों कि ट्रिपल एच को समझ आए कि सेमी मेन इवेंट करने के काबिल है। आपको क्या लगता है दोस्तों अगर मैच बनता है तो गाइज किसका बनना चाहिए, सेमी का या फिर दोस्तों ट्राइबल चीफ का, या फिर कोड़ी को इक्वेशन से हट जाना चाहिए, या फिर ट्रिपल थ्रेड बनना चाहिए? तो आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं, मैं देखना चाहूंगा कॉमेंट बॉक्स में। वीडियो आज की इतनी थी, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, शब्बा है।